अभी भी कपड़ा नहीं होगा पूरा दब गया पूरा सामान रबर गाड़ी मऊ को नहीं ले रबर हम बोला ना रबर रबर से दबिन होता है एक बच्चे का जान चला गया लैंडस्लाइड में, पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया है और जिंदगी को तो वापस हम लोग नहीं ला सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ में डीएम से भी बात किया है, घर पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। एज पर द पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पूरा घर जो टूटा उनके लिए 95,000 रुपीज़ इनको मिलेगा। इसके ऊपर से हम अपने संगठन के थ्रू अलग से इनका रूफ टीना का हम इंतज़ाम करेंगे, एडीसी भी कुछ रुपया देगा। और मैंने एक डिसीजन लिया है कि जहाँ में भी हमारे लोग मरे हैं पूरे त्रिपुरा में, मैं उन परिवार में जाकर अपने पॉकेट का जो भी मेरा कमाई है वहाँ से हर परिवार को 50,000, मुझे लगता है 30 लोग मरे हैं, सब घर में जाकर मैं 50,000 रुपया उनके नेक्स्ट ऑफ फैमिली को मैं देना चाहता हूँ। तो ये मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट भी पैसा देगी, एडीसी भी पैसा देगी, मैं भी अपने तरफ से, मुझे इतना प्यार दिया गया है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने लोगों के संग इस ख़राब समय में सॉलिडारिटी दिखाऊँ। और मैंने अपने पूरे यहाँ में जोनल चेयरमैन को सबको कहा है कि यहाँ में घर बनना चाहिए, ठीक से बनना चाहिए, और मुझे इसका प्रमाण भी चाहिए। आप लोग वीडियो और फोटो भेजिए और मैं आके यहाँ में खुद चेक करूँगा। तो ये टाइम है कि हम पूरा त्रिपुरा अपने धर्म के बारे नहीं सोचे, अपने जात के बारे नहीं सोचे, सब एक होकर खराब समय में एक संग रहना चाहिए हमें। और ये मेरा मैसेज सबके लिए, थैंक यू। हम लोग यहाँ में, मैं पहले चंपलाई विलेज गया कृष्णपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और यहाँ में गिरीश देव वर्मा का 14 साल का बच्चा था, उनका जान चला गया, बहुत प्रॉपर्टी में नुकसान भी हुआ है। तो थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट 4 लाख रुपये स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। वीडियो से भी मेरा अभी बात हुआ है, एसडीएम से बात हुआ है, और यहाँ में उनका घर का रिपेयर के लिए 1,30,000 रुपया दिया जाएगा अलग से। उसको छोड़ के भी टीटीएडीसी से हम लोग इनके रहने के लिए अलग से पैसे का इंतज़ाम कर रहे हैं। और मैंने डिसाइड किया है अपनी तरफ से, टीटीएडीसी तो अलग से रुपया देगा ही, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरे त्रिपुरा में जहाँ भी कोई मरा है, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, तिब्रासा हो, बंगाली हो, मणिपुर कोई भी हो, सबको मैं अपने तरफ से, मेरे खुद के पॉकेट से, ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, मैं हर परिवार को 50,000 रुपया अपने तरफ से, जिनका भी परिवार में डेथ हुआ है उनके रिश्तेदार को, नेक्स्ट ऑफ किन को, मैं 50,000 रुपया पूरे त्रिपुरा में दूंगा। आप लोग ने इतना प्यार दिया है मुझे, मेरे लिए ये ड्यूटी बनता है कि ख़राब समय में मैं आपके साथ सॉलिडारिटी दिखाऊं और अपना दायित्व और अपना कर्तव्य निभाऊं। मैं ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक द मिनिस्टर एंड द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। वी हैव नॉट कम हियर एज पोलिटिकल पार्टीज, वी हैव कम हियर टू हील द वूंड्स ऑफ अवर पीपल, एंड इफ यू कैन ऑल वर्क टूगेदर as one, we will be able to at least bring some relief to our people. So I pray to the God, I pray to Bhagwan Almighty, jisko bhi aap prarthna karte ho, whoever you pray to, that Tripura mein normalcy fir se aaye, aur ye jo kasht hamare log seh rahe hain, isko agar humko khatam karna hai, to is samay hame party ke bare mein sochna hoga, hame sabko ek hokar, ek sang hokar, bengali hain, tribals hain, sab ek sang hokar humko kaam karna hai। दिवर कहम पुलन हमारे भूभाग्रानो ते हमारे चीनी एम साहेब ते एस डी एम साहेब ते जो चीनी लीडर्स लोग जतनो सैमनो कैक दिन सगा मत चम्पलो आशा खैमिया जंगनो या कई थान बर फैमिली हाइन जो चीनी बेका खामजाक मूल्य करी हाइपुनो लांगमानी मूल्य करी हाइपुनो जो गवर्नमेंट नि तरफ से 4 लाख टाका रिजाक खा ते भूभाग्रह भी पार्सनल खाई 50,000 कर भूभाग्रह अब पाइपल हम रिजा करो सारा त्रिपुरा बारे ते जो जत्न तमुक थानसा खाई सामू तलाना ओ समय ते
ईश्वर चुनो कहाम करूँगा तुम तुम मुते है सिचुएशन चुनो तारी छेतुं दो तीनों सिचुएशन कहाम तुम हमें आगे संतन प्रार्थना कोई हम भाई जो तुम